कासगंज जनपद में तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीती देर रात भी सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने विक्की पर सवार पिता पुत्र को रौंद दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर सदर विधायक ने घायल पुत्र को कासगंज CHS में भर्ती कराया। वहीं चिकित्सकों ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र के नागला ताल के निकट का है। बताया जाता है कि कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नागला भट्टा का रहने वाला सुरेंद्र अपने 8 वर्षीय पुत्र मानवीर के साथ पड़ोस के गांव तवालपुर में 13वीं की दावत खाने गया था। जब वह देर रात विक्की द्वारा घर जा रहा था, तभी गाँव नागला ताल के समीप उसकी विक्की में सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मानवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कुछ देर बाद उधर से निकल रहे सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने जब हादसे को देखा तो पुलिस को सूचना दी और घायल मानवीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपने बेटा को बैठा कर एक विक्की टाइप होती है टू व्हीलर, उस पर जा रहे थे तो किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया तो उनकी मृत्यु हो गई और बच्चे के चोट आ गई।